आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम एक हमारे युवा किसान के यहाँ जो पेठे की खेती कर रहे हैं, तो उनसे जानेंगे हम पेठे की खेती के बारे में और समझेंगे कि ये खेती कितनी लाभदायक है। तो चलिए जानते हैं उनसे। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। तो पहले हम एक बार आए थे, उसमें हमने आपका धनिया की खेती के बारे में इंटरव्यू लिया। हाँ जी। और उससे लोगों ने बहुत कुछ सीखा और जाना कि इतने कम टाइम की फसल में इतनी आमदनी हो सकती है। आज हम फिर आए हैं आपसे पेठे की जानकारी लेने। हाँ जी। तो पेठे के बारे में जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें जरा विस्तार से बताएं, जिससे कि वो भी इसकी खेती करके और लाभ उठा सकें। तो राहुल जी, आप बताएंगे हमें कि ये कौन से टाइम पर इसकी बुआई होती है? जी, बुआई होती है हमारे अब जो पेठे की होती है फरवरी के शुरू से लेकर लास्ट तक, कभी भी लगा सकते हो। अच्छा जी। आलू खुदने के बाद में जी और 15 मार्च तक लगा सकते हो इसको। इसका ज़्यादा खुद खर्चा नहीं है फिलहाल, तो ये 800 रुपये किलो बीघे का बीज है। अच्छा, जो हमारा बीज इसमें लगेगा वो 800 रुपये किलो का बीज है? 800 रुपये किलो का बीज है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा बीघे पे बीज का खर्चा। बीघे में तो तुम्हारा ऐसे लगेगा मुश्किल से 100 ग्राम। अच्छा, कुल 100 ग्राम लगेगा? 100 ग्राम। अच्छा अच्छा, 800 रुपये किलो का रेट है इसका और 100 ग्राम ये एक बीघे में लगता है? जी। तो और इसके और अदर खर्चे क्या क्या है? अदर खर्चे बस शुरू में भरे पे चोबने के बाद में मेरे खैर दो पानी लगाओ, दो पानी पे ये जम जाता है। अच्छा जी। हल्का हल्का थोड़ा सा डाई लगा दो इसमें जी, नलाई गुड़ाई करवा दो जो करवानी है, और बस इसमें कुछ नहीं करना। जब आपकी बेल एक भरे से दूसरे एक नाली से दूसरी नाली तक पहुंच जाएंगे, आपस में मिल जाएंगी, तो फिर एक दौर से पानी चलाना है। अच्छा, फिर जो है आपको इकट्ठा पानी चलाना, इकट्ठा पानी चलाना जी जी। जब तक बेल नहीं चलने की आपको नहीं मिलने की, जब तक आपको नाली नाले में पानी लगाना, केवल भरे में ही चलाना, भरे में चलाना। तो एक जैसे कि आजकल बड़ा लोग जो है खाद वगैरह बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा करते हैं फसलों पर, तो इसमें ऐसा कुछ है कि फर्टिलाइजर वगैरह ज़्यादा डालने पड़ते हों? नहीं जी, इसमें कुछ नहीं डालना, आपको सिर्फ दवाई करनी है स्प्रे, जिससे कीड़ा कुछ वैसे ना लगे, कीटनाशक दवाई गिरनी है इसको में, और कुछ नहीं करना इसमें। और भरे से पहले नाली से पहले जब तक बेल ना मिल जाए, उससे पहले बेल पानी दे रहे हैं से, इसलिए कभी घास हो जाए फिर बीच में। अच्छा, जो बीच का हिस्सा उसमें पानी यूँ नहीं लगाना कि जिससे इसमें खरपतवार पैदा ना हो जाए? हाँ जी, जब बेल मिल जाएंगे फिर घास खुद नहीं होनी, जब पानी लगाओगे से। अच्छा, क्योंकि जगह नहीं रहने की बिल्कुल भी। जी जी। और ये खेती 4 महीने की आपकी? अच्छा, 4 महीने की है। हाँ, 4 महीने। जैसे मान लिया हमने फरवरी में लगाया। हाँ जी। तो उससे फरवरी से आगे जो है 4 महीने में ये जो है हमें फसल दे दी और ये खेत हमारा खाली हो? हाँ जी, 4 महीने में। तो राहुल जी, ये तो बताया आपने इसके खर्चे और इसके बोने का और इसकी देख रेख के प्रोसीजर के बारे में। हाँ जी। और अब ये बताओ कि इसकी आदमी अगर किसान इसे बोता है तो इसकी मार्केटिंग कैसी है, मार्केट में इसकी मांग कैसी है? मार्केटिंग में मांग ये है जी इसकी, मान लो एक बीघे में अगर आपका तुम्हारा पेठा बढ़िया हो गया तो कम से कम 30 से 35 क्विंटल तक बीज तक निकल जाता है एक बीघे में। जी हाँ जी। और जैसा आपका जो रेट है इस लॉकडाउन में भी, आज का रेट भी 500 रुपये क्विंटल का चल रहा है इसका। अच्छा, 500 रुपये क्विंटल का रेट आज फिलहाल में है लॉकडाउन में? हाँ, क्योंकि अभी ज़्यादा कारखाने नहीं है। हाँ, क्योंकि किसके अभी कारखाने चालू नहीं हुए सारे। अच्छा अच्छा। हाँ, जितना इसकी भट्टी या कारखाने चालू हो जाएंगे उस टाइम इसकी मांग ज़्यादा रहेगी। अच्छा, फिर रेट और ज़्यादा होंगे। हाँ जी। तो राहुल जी, जैसा कि आपने बताया कि 500 रुपये क्विंटल के रेट हैं और इतना हो जाता है कि अगर एक बेसिक तौर पर देखा जाए नॉर्मली, हाँ जी, तो एक बीघे से हमारे किसान भाई को इससे कितनी आमदनी हो सकती है? ये आमदनी मान लो तुमसे कम से कम से कम इसमें 30 क्विंटल निकल गया यार, 500 जोड़ दो 15 बीघे के आराम से निकल जाती है। अच्छा। और इसमें खर्चा कुछ नहीं, सिर्फ दवाई खर्चा, दवाई भी सिर्फ इसमें शुरू से लास्ट तक होगी 3 या 4 दवाई होंगी। हाँ, जिससे कोई कीड़ा वगैरह गिलहर वगैरह कुछ ऐसा? एक दवाई होगी फल फूल की जब इसमें फूल आने लग जाता है। जी, बस इसमें खर्चा कुछ नहीं है, डाई गिरेगी बस सिर्फ इसमें 2 बार, जब छोटी बेल रहेंगी छोटी छोटी सी बस, जब 2 बार डाई गिरनी है बस, यूरिया डालना नहीं है इसमें। तो अब जैसे लॉकडाउन है और अभी फैक्ट्रियां नहीं चली हैं पूरी तरह से, थोड़ी फैक्ट्रियां चली हैं, तो अब आपका प्लान क्या है? आपने रोका हुआ है या कुछ सेल भी किया है? सेल अभी किया नहीं है, फोन तो आ रहे हैं, लेकिन अभी हम कुछ पेठा जो है इसमें भी छोटा है। अच्छा, साइज में? हाँ जी, ये 2 बार टूटता है, लेकिन हमें मूंजी लगानी, हम सोच रहे सारा एक साथ टूट जाए ये। अच्छा, इसके बाद में आप इसमें मूंजी लगा देंगे? हाँ, तोड़ने के बाद? हाँ जी, 8-10 दिन बाद तोड़ने के बाद मूंजी लग जाएगी इसमें। तो राहुल जी, अगर कोई किसान भाई आपसे इसके बारे में जानकारी लेना चाहे, हाँ जी, या आपसे ये कहे कि भाई हमारे यहाँ हमारे खेत में लगवा दो करवा दो, तो क्या आप उनकी हेल्प करेंगे? हाँ जी बिल्कुल।
तो आप जो है अपना नंबर जरा जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं उन लोगों को बता दें। 8173 जी 1114 58 ये नंबर है। अच्छा, इस नंबर पर कभी फोन कर सकते हो। हाँ, और जानकारी ले सकते हैं जितना भी आपसे हो सकेगा आप जानकारी देंगे। हाँ जी, हाँ ये भी है ना कि किसान भाई अगर लगा रहा है तो उसे मालूम करना पड़े कि भाई इसका बीज कहाँ से प्रोवाइड कराया जाए। हाँ जी, या इसका बीज कहाँ से मिलेगा, तो वो सब जानकारी तो आप ही दे सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो राहुल जी, आपने पेठा और पेठे की खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने राहुल जी से पेठे की खेती के बारे में जानकारी ली। ये वही पेठा है जिससे हमारे आगरे में पेठा बनता है, और आपने पंछी पेठे का तो नाम बहुत सुना होगा, तो ये वही पेठा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।